हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ ज्ञान विकास 24 में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेटामेट ऑफ्थैल्मिक आई ड्रॉप्स के बारे में। इसमें क्या होता है, इसके यूज़ क्या क्या होते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसके प्राइस क्या हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है रोज़ की तरह, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल है हेल्थ ज्ञान विकास 24। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं नेटामेट ड्रॉप्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेटामेट है इसमें जान लेते हैं इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें होता है नेटामाइसिन ऑफ्थैल्मिक सस्पेंशन। तो इसमें जो नेटामाइसिन होता है वो 5% वेट बाई वॉल्यूम स्ट्राइल आई ड्रॉप्स, मतलब पूरी तरह से स्ट्राइल है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपकी आंखों में। तो इसका बेसिकली यूज होता है फ्रेंड्स एंटी फंगल के रूप में। तो जो आंखों में कभी कभी एंटी फंगल्स हो जाते हैं, फंगस हो जाता है, तो उस फंगस को ख़त्म करने के, मतलब उस फंगस के संक्रमण को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो फंगल इन्फेक्शन है आँखों का ख़त्म करने के लिए इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। कोई इसका यूज़ वायरल इन्फेक्शन या फिर जो आपका वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया आँखों में उसके लिए नहीं है, ना ही कंजक्टिवाइटिस के लिए है। इसका बेसिकली यूज है फंगस इन्फेक्शन के लिए, जो फंगल आपकी आँखों में जो कवक है जो फैल गया है फंगल इन्फेक्शन, उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका यूज़। एक बार बात कर लेते हैं इसके डोसेज फॉर्म के बारे में, इसका कैसे डालना है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इसको एक दिन में डॉक्टर कई बार रिकमेंड कर सकता है। आपकी आँखों में ज़्यादा इन्फेक्शन है तो दिन में 3 से 4 बार भी कह सकते हैं, 8 बार भी कह सकते हैं। वैसे इसकी जो डोज है वो सुबह शाम या दिन में 3 से 4 बार तक की हो सकती है। तो ये इसकी डोज हो गई फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट लगे, जैसे कि कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं इसके, इसे डालने के बाद आँख में रेडनेस होना बहुत ज़्यादा, आँख में खुजली पड़ना, ईचिंग होना बहुत ज़्यादा, या फिर आँख से पानी बहने लगना बहुत ज़्यादा, तो ऐसी इन्फेक्शन में आप इसे अपने तुरंत डॉक्टर ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें, जो आपके ऑफ्थैल्मिक सर्जन है उनसे ज़रूर संपर्क करें। उनके बिना संपर्क की कोई मेडिसिन ना लें फ्रेंड्स। और ये आँख की है तो आँख वाली बात को देखते हुए, आँख बहुत नाजुक होती है, तो उसको, और ये हमेशा डॉक्टर के पर्चे पर दी जाने वाली दवाई आप अपने मेडिकल से अपने आप नहीं ले सकते फ्रेंड्स, ये हमेशा प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेगा। तो डॉक्टर आपको जब प्रिस्क्राइब करें तभी लें, उससे पहले कभी ना लें। तो फ्रेंड्स, ये तो इसकी साइड इफ़ेक्ट हो गए। अब एक बार बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस है फ्रेंड्स 141 रुपये, मतलब 141 रुपये में आपको किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। काफ़ी फेमस है, नेटामाइट है, उसमें जो साल्ट नेम होता है वो नेटामाइट मेडिसिन होता है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, मतलब जिन लोगों को थोड़ी भी जानकारी मिले तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट ज़रूर करना कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो ये इसका यूज़ बेसिकली फंगल इन्फेक्शन के लिए है, और कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल डियर फ्रेंड्स। और एक रिक्वेस्ट फिर से है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू।